25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता मिस्टर के सिंह ने किया एक बहुत बड़ा खुलासा। उन्होंने अपना एक वीडियो रिलीज किया जहां पर उन्होंने ये बात रिवील की कि उन्होंने मुंबई पुलिस से मदद की गुहार की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये भी कहना है कि जहां पर 25 फरवरी में उन्होंने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा था जहां पर उन्होंने सुशांत सिंह की जान खतरे में है इस बारे में बात की थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीच जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। हम आपको ये भी बता देते हैं कि पिछले दिनों से ये खबर आई थी कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं इस केस में। सुशांत सिंह के लॉयर ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई पुलिस में ऐसा कोई आदमी है जो रिया चक्रवर्ती के लिए काम करता है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है, जब बिहार से एक पुलिस ऑफिसर मुंबई आए थे सुशांत सिंह के केस के सिलसिले में, तो उन्हें जबरदस्त क्वारंटाइन किया गया। आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस कमिश्नर रिया के बारे में सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़क गए। क्या मुंबई पुलिस दे रही है रिया चक्रवर्ती का साथ? हम आपसे जुड़े रहेंगे और देंगे आपके सारे सवालों का जवाब। ऐसी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू टीवी बस। थैंक यू।